आसनसोल क्षेत्र में सिख समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए यहां से लगातार सिख मैरिज एक्ट 2012 को लागू करने की मांग बार बार उठती रही है। मंगलवार को एक बार फिर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनपुर द्वारा आसनसोल के जिला शासक विभू गोयल को इसके संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सीएम ममता बनर्जी को इसे लागू करने की गुहार लगाई गई है। जिला शासक विभू गोयल जी को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से एक जिज्ञासन दिया है, डेपुटेशन दिया है, वो है सिख मैरिज एक्ट 2012 जो 7 जून को राज्यसभा में हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल ने पास किया था, जो अभी तक बहुत सारे विभिन्न स्टेट्स में लागू हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं हुआ। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को जानकारी दी है, लेकिन शायद इलेक्शन की वजह से ये मामला थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस मामले को वापस से शुरू किया जाए और जल्द से जल्द ये जो मैटर है सिख मैरिज एक्ट या आनंद कारज मैरिज एक्ट 2012 इसको पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए। किस संस्था की तरफ से कर रहे हैं ये? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर की तरफ से है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को इसके लिए जानकारी दे दी है। आपका परिचय? मैं परमजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एंकर। कांग्रेस नेताओं ने जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना महामारी से जुड़ी सभी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू करने की बात कही गई। साथ ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस विशेषकर राज्य मंत्री पर कांग्रेस की पार्टी कार्यालयों पर जबरन दखल करने का इल्जाम लगाया। जायगा में सरकारी जो उदासीनता है पश्चिम बर्धमान, वो हम लोगों का नजर में जो जो चीज आया है उसी चीज को हम लोग डीएम का पास बोला है। हम लोग देख रहे कि यहाँ पर वैक्सीन को लेकर दुर्नीति हो रहा है, काउंसिलर लोगों को दायित्व दिया जा रहा है, काउंसिलर लोग आम आदमी को वैक्सीन नहीं दे, अपना भाई भतीजा अपना रिलेटिव अपना पार्टी का कैडर यही सबको दे रहा है। इसका चलते एक तो सुनिर्दिष्ट पॉलिसी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग कमेटी होना चाहिए, ये बात हम लोग बोले हैं। हम लोग बोले कोविड हॉस्पिटल जो है सरकारी छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल, वो लोग गरीब आदमी से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक तो प्राइस लिस्ट हॉस्पिटल का बाहर चिपका दिया जाए या टंगा दिया जाए। तेल दे रहा है जो जीएसटी इसको दे रहा है, उसको लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें पैसा उठा रहा है अपना मुनाफा करने के लिए। हम लोग इसका विरोध किया और हम लोग का एक डिमांड है सबको वैक्सीन मिले, इसमें कोई राजनीति ना हो। ऑफिस दखल को लेकर उसको लेकर ये तो इलेक्शन का बाहर इलेक्शन चलते चलते हम लोग का बहुत सारे ऑफिस दखल हुआ है। तृणमूल का बिजली और मंत्री बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है कि हम लोग सबको बाहर से नहीं आता है, कोई कुछ हुआ नहीं। हम लोग का आसनसोल में भी एक ऑफिस दखल हुआ है, एक ऑफिस दखल किया कौन से मंत्री खुद वहां पर जाकर बैठ रहा है। जो कांग्रेस का ऑफिस है तो ये तो बड़ा बड़ा बुरी बोल में तय नहीं होगा। इसका कंप्लेन हमने इलेक्शन का टाइम में किया था, लेकिन डीएम पुलिस अभी तक पुलिस को देखता है, शासक दल का कठपुतली बन गया है, इसका कोई रोल है नहीं। इसका भी विरोध हम लोगों का है, हर एक जगह में अभी हो रहा है। जो विरोधी दल करेगा उसको मारेगा पीटेगा, नहीं तो उसका ऑफिस दखल लेगा, उसके घर में झमेला करेगा, तो रूलिंग पार्टी का भी नेचर हो ही गया है। आज डीएम साहब के पास कोई लिखित आवेदन या कंप्लेन आप लोगों ने किया है? आज नहीं, हम लोग पहले भी किया है। हम लोग पहले बोला है, हम लोगों का जो ब्लॉक सब प्रेसिडेंट है वो कंप्लेन उसी टाइम दिया था, हम लोगों का वर्किंग प्रेसिडेंट जिला का हरजीत सिंह था, ये लोग सब पहले कंप्लेन दिया था। 100 के आसपास मिल रहा है पेट्रोल और डीजल 90 का, बेतहाशा हो रही पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ सीटू के परिवहन यूनियन के द्वारा बनपुर बस स्टैंड में विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि नहीं हमारे सारा राज्य सीआईटी पक्ष प्रतिबाद करा होच्छे। अपना इतिमध्ये जानें जे हमारे जरा आमदानी करी काचा तेल, से काचा तेलर दाम होच्छे एखन सारा पृथिवीते दाम कम 60-62 यूएस डॉलर, अथच हमारे देशे दुनिया मध्य सबसे बेसि पेट्रोल डीजल दाम हमारे हे 56% हे पेट्रोल पर कर बसाना आ केंद्रीय सरकार राज्य सरकार कर बसिए डीजल पर 62% कर बसिए कर जो तुले दिए जीएसटी बसाना है तेल पेट्रोल डीजल दाम हमारे देशे कमे जाए। महामारी समय जिनपत दाम बढ़े तरह अन्यतम कारण परिवहन खर्चा हे बढ़े
পরিবহনের খরচা বাড়ার ফলে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে। সিআইটির পক্ষ থেকে আমাদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে হচ্ছে পেট্রোল ডিজেলের কর কমিয়ে দিয়ে দাম কমাতে হবে দেশের সবার কার স্বার্থে। এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে সিআইটির দাবি নিয়ে আমাদের কর্মসূচি। আপনার নাম কি? অরবিন্দ ঘোষ।